ईमानदारी से बता दो कि आप जिला बदर का आदेश हो जाने के बाद बालाघाट में रहे हो या तुरंत जबलपुर आ गए थे? आखिरी मौका दे रहा हूँ, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी पुलिस सब वेरीफाई कर लेगी, राइट? और अगर ये आ गया कि आप बालाघाट में थे तो दो मुकदमे लगेंगे आपके सिर, पहला कंटेम्प्ट और आपने मोहम्मद इरफान को भी फंसा लिया है झूठ बोल के अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो, और दूसरा धारा 14। ठीक है, आखिरी मौका दिया था आपने, कह दिया कि आप बालाघाट में नहीं थे, कागज बोल रहे हैं कि ये सज्जन 12 सिवनी से बाहर नहीं निकले, ये कौन है? कुरैशी जी हैं। कुरैशी जी आप जरा अपने दस्तखत बनाइए, कागज दो इनको, और कुरैशी जी मोबाइल नंबर भी लिख दीजिएगा। जैसा बताऊं ना वो तुमसे सिग्नेचर के लिए भी पूछ लिया सर। क्या कहा बताइए वो हिंदी वाले। एक मिनट कोई बात नहीं जी। कुरैशी जी कौन से सिग्नेचर सही है आप? जो आपने कमिश्नर साहब की अपील पेश की थी वो सिग्नेचर सही है कि जो यहाँ की है वो सही है? अभी नहीं, जो एक हलफनामा आपने यहाँ पर भी पेश किया है वो सिग्नेचर सही है कि जो आपने कमिश्नर साहब के साथ? वकील साहब ने आपसे 2-4 जगह पे दस्तखत करा लिए। कौन से वकील साहब ने? मनीष मेश्राम साहब। ये दस्तखत आपके है कि नहीं है? जी अभी जो हलफनामा पेश हुआ है ये हलफनामा और वो सिग्नेचर जो है वो अंतर दिख रहा है। ये जी वाले किसके लिए? आपका है, कमिश्नर वाला भी है, दिखा दो। कमिश्नर वाला किसका? ये मेरे नहीं है सर। आपके नहीं हो, आप उस समय कहाँ थे? तो फिर वकील साहब के पास फिर आप क्यों नहीं गए दस्तखत करने? कहाँ दस्तखत ले लिए थे आपसे? आप तो खुद कह रहे हैं कि वो हलफनामा पे आपके दस्तखत कागज में ले लिए थे सर। तो खाली कागज पे भी लिए होंगे तो आपके होने चाहिए थे ना, वो नहीं है क्या? नहीं है आप? क्योंकि मेरे को 3-4 दिन से यही मिल रहा है, मैंने एफिडेविट भी फाइल कराया सारी चीज की, परसों कॉपी भी दी। ऑर्डर सुन लीजिए अभी, है कुरैशी जी अभी आप ईमानदारी से बता दीजिए, झूठ बोलेंगे नए मुकदमे तो तैयार हो ही रहे हैं। आपने ये हलफनामा दिया है कि जिस तारीख को आपके खिलाफ जिला बदर का आदेश हो गया, मतलब 20/10/2023, तब से आप बालाघाट से बाहर हैं, परंतु आपने ये हलफनामा में सारा एड्रेस बालाघाट का दे रहे हैं। ईमानदारी से बता दो कि आप जिला बदर का आदेश हो जाने के बाद बालाघाट में रहे हो या तुरंत जबलपुर आ गए थे? आखिरी मौका दे रहा हूँ, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी पुलिस सब वेरीफाई कर लेगी, राइट? और अगर ये आ गया कि आप बालाघाट में थे तो दो मुकदमे लगेंगे आपके सिर, पहला कंटेम्प्ट और आपने मोहम्मद इरफान को भी फंसा लिया है झूठ बोल के अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो, और दूसरा धारा 14। ठीक है, आखिरी मौका दिया था आपने, कह दिया कि आप बालाघाट में नहीं थे और जबलपुर में ही थे। अब हम पुलिस को डायरेक्शन दे रहे हैं, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जवाब देगी, राइट? क्योंकि हमारे ही जजमेंट है 73 एविडेंस एक्ट की लाइट में कोर्ट को विटनेस नहीं बनना चाहिए। कारण क्या है कि हमने फाइंडिंग दे दी कि ये सिग्नेचर उसके हैं तो आपको क्रॉस करने का मौका नहीं मिलेगा, और जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट आएगी तो आपको मौका मिलता है। हम हमेशा कहते हैं कि यस द कोर्ट्स हैव अ ज्यूरिसडिक्शन बट इट शुड बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन वेरी एक्सेप्शनल केसेस वेयर नो अदर ऑप्शन इज लेफ्ट। कोई बात नहीं सर, मुझे ऐसा लगा कि जो कमिश्नर वाले सिग्नेचर वो सही है तो मैंने फिर इसीलिए कह दिया, इसलिए कुछ नहीं बोला मैं। अब आप ही उसको इन्वाइट कर रहे तो मैंने बोल दिया कि सर मुझे वो सही लग रहा है। उनके भांजे की क्या पता, क्या पता सर, ये सज्जन 12 सिवनी में। अरे कागज बोल रहे हैं सर, हम लोग कागज पढ़ने के आदी हैं, कागज बोल रहे हैं कि ये सज्जन 12 सिवनी से बाहर नहीं निकले, राइट? पॉसिबल कि बंदे ने जिस सारे को एफिडेविट फाइल किया और अभी भी प्रेजेंट हो गए? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम है सर। भाई साहब जिस दिन मैं ऑर्डर करता हूँ ना अपनी लोकेशन बताइए, तब से ये लोग सही हो जाते हैं। नरसिंहपुर में एसपी कहता है कि ये तो उसी दिन से गायब हो गया था, जब सारा इंक्वायरी कराई पता चला जिस दिन मेरा ऑर्डर हुआ था उस दिन बाहर गया था। तो एक साथ से पहले ये कहां पर थे? ये कागज बता रहे हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है पर प्राइमा फेसाई मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये 12 सिवनी में ही थे, ये शायद कुछ भी बोले, और एक साथ के बाद ये जबलपुर आए। इसलिए अब आप मत बताइए कि सर आज ये कैसे हो सकता है, तो आप ये मत बताइए हमको, राइट? क्योंकि हमारे कहने के बाद ये थाने को खबर भेज रहे हैं और थाने जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी इनकी, रजिस्ट्री से भेज दिया। सर आप कुछ भी एक्सप्लेन कीजिए, समझते हैं हम लोग भी सर।
अब तो हो गया सर, अब तो या तो ये बचेंगे नहीं तो दो मुकदमे और तैयार होके जाएंगे। एक मां तो जजमेंट हम ही नहीं देना है। झूठे एफिडेविट यहाँ पे देने से, अभी सिग्नेचर वाली बात नहीं कर रहा, एफिडेविट है 21 तारीख से जबलपुर आ गए हैं, तो ये तो जाएंगे इरफान जी भी जाएंगे। ये रहता है ना, अरे दे दो, कौन देख रहा है, अब देख रहे हैं सर। हाँ, अरे दे दो यार, कौन देखता है, ऐसा नहीं है सर, हम तो देखते हैं, क्योंकि पक्षकारों को कोर्ट का मजाक बनाने का अधिकार हम नहीं दे सकते, कोर्ट के सामने झूठ बोलने का अधिकार हम नहीं दे सकते। आप लोग तो वही बोलोगे ना जो पक्षकार बोलेगा सर, आप पार्टी तो नहीं हो। जब ये आपसे कह रहा है कि सर मैं आ गया था, तो आपको इंक्वायरी करने का तो कोई राइट भी नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पक्षकार की बात कर रहा हूँ कि अरे लिख दो यार, बताया सर, लिख दो यार, कौन देखता है, आइडेंटिफाई भी नहीं की, भांजी नहीं की, नहीं। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ सर, जो भी लिखा उसके लिए जिम्मेदार है ना, लिख दो यार, कौन देखता है। तो जबलपुर ग्वालियर को तो बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि यार लिख दो कौन देखता है, प्रिंसिपल को जल्दी छोड़ना है।